हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल कुंजा ऑफिसियल आवर योर चैनल कैसे हो आप लोग आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे बेल आइकन से प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए आज की वीडियो में बताने वाली हूँ जी हाँ वट सावित्री व्रत दो में कब है तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत दो दिन शुक्रवार उन्नीस मई 2023 अमावस्या तिथि प्रारंभ 18 मई 2023 को रात नौ बजकर चौबीस मिनट से अमावस्या तिथि समाप्त 19 मई 2023 को रात नौ बजकर बाईस मिनट तक वट सावित्री व्रत कथा वट सावित्री व्रत एक हिंदू त्यौहार है जो विवाहित महिलाओं के लिए एक विशेष त्यौहार है इस पर्व को वट अमावस्या भी कहते हैं ये त्यौहार विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है इस त्यौहार में विवाहित महिला बरगद के पेड़ के चारों ओर एक औपचारिक धागा बांधकर अपने पति के लिए अपने प्यार का प्रतीक बनाती हैं ये त्यौहार सावित्री और सत्यवान की कहानी पर आधारित है महाभारत में वर्णित अनुसार ये व्रत भारतीय संस्कृति में आदर्शवादी स्त्री का प्रतीक बन गया है इस व्रत को लेकर बहुत मतभेद है स्कंद पुराण और भविष्य पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रखने का विधान है जबकि निर्णय आदि के अनुसार अमावस्या का व्रत करने को कहा गया है ज्येष्ठ मास का दिन तिथि में अंतर होने के बाद भी इस व्रत का उद्देश्य एक ही है कई महिलाएं इस व्रत को ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी से अमावस्या तक और इसी तरह शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से पूर्णिमा तक रखने का विश्वास करती हैं भगवान विष्णु की पूजा करने वाले अधिकतर ये व्रत पूर्णिमा को करते हैं वट सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों का विशेष महत्व माना गया है वट यानी बरगद का पेड़ हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ का विशेष महत्व माना गया है पुराणों में स्पष्ट किया गया है कि वट में ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास है भारतीय संस्कृति में सावित्री को एक ऐतिहासिक पात्र माना जाता है सावित्री का अर्थ वेद माता गायत्री और सरस्वती भी है वट सावित्री व्रत में कैसे करें पूजा बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री और सत्यवान और भैंस पर सवार यम की मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए और पेड़ के जड़ में जल देना चाहिए पूजा के लिए जल मौली रोली कच्चा सूत भीगे हुए चने फूल और अगरबत्ती रखनी चाहिए बरगद के पेड़ को पानी से सींचने के बाद तने के चारों ओर एक कच्चा धागा लपेटकर उसकी तीन बार परिक्रमा करें इसके बाद सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए इसके बाद भिगे हुए चने के बीज निकालकर उस पर जितना हो सके उतना पैसा अपनी सासू माँ को दे दे और उनके पैर छू लें कैसा लगा आप सभी को हमारा ये वट सावित्री व्रत कथा पूजा विधि कमेंट्स करके जरूर बताइएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना मेरी वीडियो को इंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप सपोर्ट